यहाँ से एक रात का पूरा टाइम वो दोनों ही पीसफुली एक दूसरे के आर्म्स में सोकर बिता देते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की 5 बजते हैं और जैसा कि वांगजी का आदत है वो उठ जाता है। बट कुछ डिफरेंट था आज की मॉर्निंग में, क्योंकि ये जगह वो नहीं थी जहाँ पर वो और विंग के साथ सोया हुआ था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो खुद को किसी अलग ही जगह पाता है। एक डार्क रूम था जहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। उसके दोनों ही हाथ और पैरों को बांध दिया गया था। वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और वो पूरी तरीके से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि वो उसके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके मुंह के अंदर भी बहुत सारा कपड़ा ठूस दिया गया था, इसलिए वो पूरा एकदम उस चेयर से बंधा हुआ था। और वो जैसे ही खुद को इस हालत में पाता है वो जल्दी से हिलने लगता है, स्ट्रगल करने लगता है। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। वो एक बहुत ही बड़ा सा एक वेयर हाउस का एक कोई कमरा टाइप सा, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा और पुराना सा था। और वहाँ पर वो अकेले नहीं था, वहाँ पर 4 और पर्सन बिल्कुल उसी की हालत में थे। बट वो सभी होश में नहीं थे, वो सभी बेहोश थे। और वांगजी के सामने तब वो पर्सन आता है और वो और कोई नहीं, शू लाओ था, जो कि हमारा शूशे का बेटा है। और तब वो वांगजी के पास आता है और वो वांगजी को स्ट्रगल करते हुए देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और वो उसे अपने हाथों से उसके मुंह में ठूसे हुए कपड़े को निकालता है और तब कहता है, ओह द ग्रेट हैंगमैन जॉन, तो आप बहुत जल्दी रिकार्नेट हो गए। हाँ वैसे आप उम्मीद तो नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे, हमें लगा था कुछ साल और आप ऐसे ही रहेंगे अपने पेरेंट्स से दूर, उनसे नफरत करते हुए और अपने दिल में उनके लिए हज़ारों गलत फहमी पालते हुए। बट कोई नहीं, ये सब कुछ सही इस विंग ने किया है, तो क्यों ना इसी विंग को सबसे पहले ख़त्म कर दिया जाए। वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है और तब लंजा चिल्ला कर कहता है, वहीं रुक जाओ, हिम्मत भी नहीं करना उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने की, वरना अच्छा नहीं होगा। शुलाओ हंसते हुए कहता है, ओह हांगवंगचन, आप अभी जिस हालत में हैं क्या आपको लगता है आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मैं एक इमॉर्टल हूँ, मेरे पास बहुत ही सारी पावर्स हैं, और तुम एक मामूली इंसान हो जिसके पास कोई गोल्डन कोर नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, कोई बिचन नहीं, तो किससे हराओगे मुझे? हाँ अपने इस छोटे खिलौने से जो कि बंदूक है, तुम्हारा ये राइट हैंड शूशे शुयांग, लेफ्ट हैंड शॉ चिंचन और सॉन्गलैन, ये तीनों ही मेरे पास हैं, कैदी हैं, अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? और तुमने मेरे पेरेंट्स को किडनैप कर लिया, तुमने मेरे अंकल को किडनैप कर लिया, तो मैं क्या करता? मुझे तो यहाँ आना ही था तुमसे मिलने, तुम मरे जो जा रहे थे मुझसे मिलने के लिए, इसीलिए तो तुमने सीधे मेरे पापा पे ही हमला कर दिया। बताओ ये क्या बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो लैन बांची, अच्छा चलो बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो, तुम्हें क्या क्या पता है मेरे बारे में? मैं इतना जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। आह लैन बांची, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक इमॉर्टल हूँ और एक कल्टिवेटर हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ तुम्हारी तरह जो कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो लैन बांची, तुम इतने कमज़ोर हो, क्यों ना मैं एक आसान सा रास्ता बताऊँ कि जिससे तुम खुद को और अपनी इस विंग को और उस इस समय के विंग को बचा सको। क्यों ना तुम झुक कर मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे दया की भीख मांगो। लैन बांची, मैं चाहता हूँ कि तुम बेग करो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बेगर कुछ चंद सिक्कों के लिए भीख मांगता है। चलो, वो अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और लैन बांची के वो सभी उसके ऊपर जो रोप्स बंधे हुए थे हाथ पर पैर पर उसे खोलवा देता है। और वो कहता है, चलो फटाफट करो ऐसा, चलो मुझ पर
भीख मांगो, शायद से मैं खुश होकर तुम्हारी जान को बख्श दूँ। वांगची खड़े होते ही सीधे उसके गर्दन को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं तुम्हारे आगे झुकूँगा? तो माफिया किंग लन वांगची तुम्हारे आगे झुकेगा, किसी भी जन्म में नहीं। ओके, तुम्हें झुकना नहीं है। वो अपनी तलवार निकालता है और दिखाते हुए कहता है, देख लो मेरा गर्दन छोड़ो वरना मैं इसे तुम्हारे आर पार कर दूंगा और तुम इसी समय ख़त्म हो जाओगे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। वो एक गहरी सांस लेता है और लैन वांगची को अपने आप से धक्का मारता है, पीछे पुश करता है और लैन वांगची को सीधे वापस से उस चेयर पे धक्का दे देता है। वांगची जल्दी से पीछे उस चेयर पे आके गिर जाता है। आखिर जब भी हो उस इंसान की ताकत तुम्हारे लैन वांगची से ज़्यादा ही थी। आखिर वह एक कल्टीवेटर है और इतने सालों से रह रहा है, इसीलिए उसके एक पुश से ही वांगची गिर जाता है। क्योंकि जब भी है वांगची एक नॉर्मल ह्यूमन है। और तब वो हंसते हुए कहता है, ओह लैन वांगची, ओह तुम तो एक धक्का से ही गिर गए और तुम मुझे हराना चाहते हो ना? कभी नहीं, पर तुम्हारे तीन लोगों ने मेरे पिता को, मेरे अंकल को बहुत ही ज़्यादा सुंदर से मारा था और अब मैं इसका बदला ज़रूर निकालूंगा। तुम दोनों को बहुत खुशी हो रही होगी ना उस मेरे पिता को और उस अंकल को ऐसे हाल में देखकर, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा खुशी मनाऊँ जब तुम्हारा प्यार ही उस हालत में हो। और वो जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और लैन वांगची को वापस से और स्रोप से उसके हाथों पैर को बांध देता है। और तब वहाँ पर वो इस समय के विभूषियान को लाते हैं, यानी विंग को। और वांगची ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल का होगा, एक छोटा सा बच्चा। वो बहुत बड़ा नहीं था, वो छोटा सा था। वो देख के भी उसे बता देगा कि वो सिर्फ 12 साल का होगा। और तब लैन वांगची कहता है, विंग, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, जैसे शूशे और मैंग्याओ थे, बिल्कुल उसी कंडीशन में। उसे भी बहुत ज़्यादा हार्म किया गया था, बहुत ज़्यादा पीटा गया था और उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पे जगह जगह कट्स किए थे, उसके कपड़े फट गए थे, बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था। और वो आखिर सीधे लैन वांगची के पैरों पर गिर जाता है। लैन वांगची चाह कर भी खुद को उससे फ्री नहीं कर पा रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था बट वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो विंग को उस कंडीशन में नहीं देख पा रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम घटिया इंसान, जल्दी से मुझे छोड़ो, तुमने क्या किया है विंग के साथ? वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये थोड़ा बड़ा होता ना तो मैं इसे कुछ अलग पनिशमेंट देता, बट अब ये बहुत छोटा है, बच्चा है, 12 साल का है सिर्फ, और तुमसे बहुत छोटा, 8 साल का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है? जब तुम दोनों पहली बार मिले थे उस समय तो तुम दोनों ही लगभग सेम एज के थे, बट इस बार देखो इतना लेट आया है ये मुझसे बचने के लिए। बट क्या फ़ायदा इतना लेट आने के लिए, आखिर पकड़ा तो मुझसे गया ही ना, पता है मैंने इसे 8 साल ढूंढा है, उसके बाद जाकर ये इंसान मुझे मिला है। ये बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहा था बट अफसोस की बात है, आखिर पैदा भी तो एक इंसान की तरह हुआ है ना, कल्टीवेटर की तरह होता तो फिर मुझे टक्कर दे सकता था, बट एक 12 साल का मामूली इंसान मुझे क्या हराएगा? मैं तो इसे जान भी ले सकता था, बट मुझे पता था कि अगर मैं इसे तुम्हारे सामने ख़त्म करूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा, बिल्कुल दिल को सुकून हो जाएगा, जैसे तुमने मेरे पिताश्री को ख़त्म किया था, मेरे अंकल को ख़त्म कर दिया था, मैंगियाओ को, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी तुम्हारे आंखों के सामने इन दोनों को ही ख़त्म, इसे और इस विंग को, दोनों ही विंग को ख़त्म कर दूँगा और तुम बस आराम से बैठ के देखते रहना, जो काम तुमने उस समय किया था वही काम तुम अभी भी कर लेना, ठीक है? और वैसा कहकर अपनी तलवार को इस समय के विंग को उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी एक विसल की आवाज़ सुनाई देती है
और ये विसल हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड का विभूषियान बजा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तलवार जो उस शू लाओ ने अपने हाथ में पकड़ी थी वो सीधे जाकर उससे अलग जाकर एक दीवार पर टकरा जाती है। अब तो शू लाओ के आसपास पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक कवर हो जाता है और कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग वो होश में आ गया था। जिस तरीके से वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे, चीख रहा था लान वांगजी, उससे उसकी नींद टूट गई थी और वो होश में आ गया था। वो होश में आते ही वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम हर्ट करोगे, तुम मेरे लंजा को हर्ट करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने मेरे लंजा को हर्ट कर सको। मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से इसे कंट्रोल कर रहा हूँ और तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो। तुम इमॉर्टल हो तो क्या हुआ, डार्क कल्टीवेशन को मैंने क्रिएट किया है, मैंने बनाया है, मैंने इसे इस दुनिया में लाया है। तुम जिस भी नोट से इसे सीखी हो ना, उसे मैंने लिखा है और तुम मुझे हराओगे। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मुझे हरा सको। बींग की पूरी आंखें एकदम गुस्से से रेड हो गई थी। उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डार्क स्मोक एमिट हो रहा था, बहुत ज़्यादा निकल रहा था और वो पूरा रूम उस डार्क स्मोक से भर गया था। वो सभी बॉडीगार्ड्स और वो शू लाओ उसकी सबकी सांसें कम पड़ रही थी, उनका गला मानो कोई दाब रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और तब विंग अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस रोप्स को, उस लकड़ी वाले कुर्सी को एकदम ही तोड़ देता है और वो आकर फिर हमारी लंजा को फ्री करता है और बाकी तीनों के पास वो चला जाता है और लंजा तुरंत ही विंग को अपने आर्म्स में उठाता है। पूरे बॉडी से विंग के खून आ रहा था, उस पर न जाने कितने सारे कट्स किए गए थे, मानो चाकू से, ब्लेड से, न जाने किस किस से उस पर कट्स किए थे और वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था, बहुत ज़्यादा। लंजा विंग की तरफ देखता है और विंग कहता है, तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ, तुम इसे लेकर जाओ, इसकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, अगर इसे कुछ हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। लंजा प्लीज़ इसे लेकर जाओ। लंजा फंस गया था बट अभी उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था, या तो वो इसे लेकर जाए वो, या तो यहाँ रहे और इस समय की विंग की जान फिर वो कभी नहीं बच पाएगी। इसलिए विंग कहता है, देखो मुझे उस अपनी दुनिया में तो जाना ही है चाहे जो हो जाए, पर तुम्हें और इसे इसी दुनिया में रहना है। मैं अगर इस दुनिया में मर भी गया तो उस दुनिया में वापस आ जाऊँगा, फिक्र मत करो, इसीलिए इसे लेकर जाओ। अगर मुझे इस दुनिया में कुछ होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम दोनों का सेफ रहना ज़रूरी है, इसे लेकर जाओ और सेफ जल्दी से किसी हीलर और या डॉक्टर के पास जाओ तुरंत। फैंसी कहता है विंग, बट मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ लंजा, जल्दी जाओ। और लंजा ऐसा कहकर निकलने ही लगता है, तभी पीछे से कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ आते हैं जिन्होंने हाथ में एक डंडे थे, जिन्होंने फांगजी के सर पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली हिट कर दिया था जिससे खून आने लगा था। और वो विंग को उसने अपने आर्म्स में उठाया हुआ था जिससे वो भी गिर जाता है और विंग ये देखकर चीखते हुए कहता है, लंजा। और वो उन दोनों ही बॉडीगार्ड्स की तरफ एकदम रेड आई से देखता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जिसके गले एकदम चप रहे थे दोनों ही वहीं ख़त्म हो जाते हैं। विंग जल्दी से लंजा के पास जाता है बट लंजा के सर से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर दी थी और तब वो गुस्से में कहता है, तुम सबको मैं यही ख़त्म कर दूँगा। बट अब शू लाओ वो भी अपनी एनर्जी को अपनी डेमोनिक कल्टीवेटर का यूज़ करता है और उस जो फोर्स विंग यूज़ कर रहा था उसे दबाने लगता है। वो विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर दिखाने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है और ये विंग फील कर रख सकता था कि आखिर ये भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो कैसे इमॉर्टल बना है। विंग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था और वो देख रहा था कि लंजा बेहोश हो चुका है ऑलरेडी। और तब विंग कहता है, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। वो अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगता है, वो अपनी डेमोनिक एनर्जी का यूज़ करने लगता है। वो दोनों के बीच में फ़ाइट होना स्टार्ट करती है, दोनों ही अपनी डेमोनिक एनर्जी का, डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ कर रहे थे और ये फ़ाइट काफ़ी देर तक होती है।
विंग इसे ख़त्म करना चाहता था, बट सामने शूलाओ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से विंग चाह कर भी इस फाइट को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंजर्ड फील कर रहा था, और वो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। और तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसने उस शूलाओ के अंदर 6 की 6 गोलियाँ पूरी की पूरी उसके शरीर में उतार दी थी, और इसे शूलाओ भी इंजर्ड हो जाता है। ये बात सच है कि शूलाओ मर नहीं सकता क्योंकि उसकी गोल्डन कोर है, बट वो इंजर्ड हो सकता है जब तक उसकी कोर उस चोट को हील नहीं कर देती। इसीलिए इन 6 बुलेट्स का हमला वो जब उसकी बॉडी पर लगता है तो वो तुरंत ही वहीं गिर जाता है, और तब वो हमारे नीम मिंजे थे और वो आते हैं और जल्दी से विंग के पास आते हैं। वो कहते हैं जिली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसकी डायरी में मैंने एक तरीका देखा है, इसकी कोर को तुरंत ही निकालना होगा वरना वो हमें ख़त्म कर देगा। विंग कहता है हाँ, और तब नीम मिंजे एक चाकू लेते हैं, और वहीं जैसे विंग बताता है कि उसे पॉइंट करता है या कि गोल्डन कोर कहाँ होती है, वो जल्दी से उस चाकू को उस गोल्डन कोर की जगह पर तुरंत ही इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का धमाका होता है, क्योंकि जितनी भी डेमोनिक एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं उसकी कोर से कनेक्टेड थी, और जबकि उस चाकू ने सीधे उसकी कोर में एंटर किया, उसकी कोर तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तब वो एनर्जी तुरंत ही रिलीज हो गई, जिसकी वजह से नीम मिंजे बहुत ही ज़्यादा दूर यानी दीवार से जाकर टकरा गए और उनकी भी हालत ख़राब हो गई। विंग भी इस एनर्जी को सह नहीं पाया और वो भी बेहोश हो गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस शूलाओ से लड़ने में अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली थी, इसीलिए वो भी बेहोश हो जाता है, वो भी अनकॉन्शियस हो गया था। और ऐसे ही देखते देखते वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, विंग के और शूलाओ के जो भी फाइट हो रहा था उसकी वजह से वो सभी ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे, क्योंकि ये दोनों ही अननेचुरल पावर्स थी, ये मैजिकल पावर्स थी जो इस दुनिया के इंसान नहीं सह सकते। ये इंसान उस कल्टीवेटर से बहुत वीक होते हैं, कल्टीवेटर्स अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, अपनी बॉडी को उतना ट्रेन करते हैं, बट हम इंसान इतनी पावर हमारे पास नहीं होती, इसीलिए उस प्रेशर को उस दबाव को वो बॉडीगार्ड्स भी सह नहीं पाते हैं। और ऐसे ही 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट होते हैं, 3 दिन बाद दिखाया जाता है, और वो सभी इंसान यानी कि हमारे नीम मिंजे, दोनों ही विंग, लेन वांगजिंग, बॉडी गार्ड्स, वो सभी हॉस्पिटल में थे। और तभी वहाँ पर हमारा शुशे वहाँ आता है मेंगयाओ के साथ, और तब वो 3 इंसान जिन्होंने इन सब की जान बचाई थी, यानी कि हमारा सोंगलैन, शुयांग और शौशिनचैन, वो तीनों ही इंसान एक अलग चेयर पे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो होश में नहीं आए थे, बट इतने बड़े एनर्जी के वेव से उन्हें झटका लगा था, जिसकी वजह से वो तीनों ही होश में आ गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ उन्हें समझ तो नहीं आया, ना ही उन्हें पता है, बट वो देख सकते थे कि तीनों ही इंजर्ड हैं, घायल हैं, और नीम मिंजे भी। और वो जो पर्सन उनके सामने खड़ा था, उनके सामने एक और पर्सन था जो ऑलरेडी मर गया था, हाँ हमारा शूलाओ वो मर गया था, क्योंकि उसकी कोर ख़त्म हो गई थी और उसके शरीर में इतने बुलेट्स थे, 6 के 6 बुलेट्स थे, जिसकी मदद से उसकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी, सो वो वहीं ख़त्म हो चुका है। और शौशिनचैन, सोंगलैन और शुयांग वो जल्दी से जाकर उन सभी बॉडीगार्ड्स को, जो अपने बॉडीगार्ड्स थे उन्हें कॉल करते हैं, उनकी मदद से इन सभी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। और 3 दिन बाद का यहाँ से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंगयाओ और शुशे वो पुलिस के साथ, पुलिस उनके पास खड़ी थी, बट देखा जाए तो इसमें जो भी गलती थी वो शूलाओ की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन दोनों ने भी उस पर साथ दिया है और इन सबको किडनैप कराया है, इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को ही किडनैप कर लिया, मीन्स उन्हें दोनों को ही अरेस्ट कर लिया था, बट वो आखिरी बार लैन वांगजी या कोई भी अगर उठ जाता तो उनका स्टेटमेंट चाहते थे, बट क्योंकि अभी ये सभी बेहोश है, अनकॉन्शियस है, और यहाँ तक कि हमारी लैन वांगजी की हेड इंजरी इतनी ज़्यादा है कि डॉक्टर्स तो अभी उसकी कंडीशन के बारे में कुछ कह भी नहीं रहे हैं, और बट हमारा इस समय का विंग उस कंडीशन से थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसकी बॉडी पे केवल कट्स लगे हुए हैं और उसका थोड़ा ब्लड लॉस है, जिसकी
वजह से उसी के चांसेस है उठने के। और आज पुलिस उसके वर्ड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आई है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इस समय का वीन हो सकता है कि आज होश में आ जाए, इसीलिए पुलिस ने इन दोनों को भी यहाँ लाया था ये बात को कबूल करने के लिए कि आखिर क्या क्या उन्होंने उस छोटे से बच्चे के साथ किया है। और अभी सभी पुलिस, सुशे मेंगियाओ, सोंगलैन, शोशनचंद सुयांग, ये सभी इंसान वेट कर रहे हैं बाहर हमारे वीन के कमरे के कि वो उठे, होश में आए और कुछ कहे, बोले और सबको बताए कि आखिर क्या हो रहा है। और फिलहाल कुछ घंटे बाद फाइनली हमारे वीन को, जो कि इस टाइम का है, उसे होश आता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सब मिल सकते हैं, बट हाँ प्लीज़ एक एक करके मिलिए, इतने सभी लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो फिर सुशे कहता है कि प्लीज़ मुझे मिलने दो, मुझे उसे माफ़ी मांगनी है। तो फिर पुलिस ऑफिसर कहता है मैं, सुशे, शोशनचंद और ये मेंगियाओ, हम चार लोग अंदर जाएंगे और उसके वर्ड्स लेकर हम इन्हें अरेस्ट करके यहाँ से चले जाएंगे, क्या ये चलेगा डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं ठीक है, बट ज़्यादा लोग नहीं, वो डर सकते हैं। और तब वो चारों ही पर्सन विंग के कमरे में जाते हैं। विंग के पास कुछ नर्सेस थी और विंग जैसे ही उन चार लोग को देखता है वो उठने की हेल्प कोशिश करता है और वो दोनों ही नर्स उसकी हेल्प करती हैं, उसे बैठाती हैं। और तब पुलिस कहता है, पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से, वो नर्स भी वहाँ से चली जाती हैं। और तब विंग कहता है ऑफिसर क्या बात है आप यहाँ? पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें अपनी वर्ड्स कहने होंगे कि आखिर कैसे इन दोनों ने तुम्हें टॉर्चर किया है। और तब विंग कहता है ठीक है, और वो कहता है कि जब मैं 8 साल का था तब इस मेंगियाओ ने मुझे मेरे पेरेंट्स के घर से किडनैप कर लिया था, मेरे पेरेंट्स को मेरे आंखों के सामने ख़त्म कर दिया, और तब से लेकर आज तक ये मुझे अपने घर में एज अ सर्वेंट रखते थे, काम कराते थे, टॉर्चर करते थे, और मेरे मर्ज़ी के बिना मेरे साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया, मुझे बहुत बार मारते थे, मेरे बॉडी पे कट लगाते थे और बहुत ज़्यादा ही मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे पेन देते थे। ये सब कुछ विंग उन्हें बताता है और बताता है कि कैसे इस मेंगियाओ ने ये सब कुछ किया है और मेंगियाओ ने ही उसे उस सॉन्ग शू लॉन्ग के पास उसे दे दिया था और उसी ने उसके साथ इतना बुरा किया, उसके बॉडी पे इतने सारे कट्स लगाए, उसके चेहरे पे लगाए, उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड किया है। और फिर पुलिस ऑफिसर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और वो उन दोनों को ही लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही विंग से कह दे कि उन्हें बचा ले, बट विंग उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और अपने चेहरे को घुमा लेता है। और डॉक्टर के और मीन्स ऑफिसर और उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ पर सोंगलैन और सुयांग आते हैं, और तब वो तीनों ही विंग के सामने थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग से क्या कहे, कैसे कहे। और तब विंग उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है आप लोग कौन हैं, मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सब कुछ याद है, मैंने ही खुद को कर्ज किया था, इसीलिए कि सभी यादें मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे इस कर्ज से खुद को फ्री करने के लिए इतना पेन सहना था और मैं चुपचाप इसीलिए सह रहा था क्योंकि मेरा कर्ज का समय पूरा नहीं हुआ था। तुम्हें सब कुछ पता है, याद है? हाँ, मेरी सारी मेमोरीज मेरे पास है, बस मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई गोल्डन कोर है, मेरे पास पास्ट की सभी मेमोरीज हैं। तो तुम्हें हम याद हैं कि आप मेरे पास्ट पे थे? हाँ, तो आप हैं इसलिए मुझे पता है। और सही बात, ये सब कैसे हुआ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे याद था कि मैं लंजा के पास आया था, मैंने लंजा को देखा था बंधा हुआ, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, शायद मैं बेहोश हो गया था। तुम्हें हमें नहीं पता, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, हम नहीं जानते इसके बारे में, हमें कुछ भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें बस कोई एनर्जी सा फील हुआ जिसकी वजह से हम तीनों ही एक साथ होश में आए और उसके बाद हमने तुम सबको बेहोश देखा, अनकॉन्शियस देखा, तो हम सब बस तुम्हें यहाँ लेकर आए। इसका मतलब है कि हाँ, इस समय लंजा या उस समय का कल्टिवेशन वर्ल्ड का विंग या नीमेंजर शायद हमें कुछ बता दें, क्या नीमेंजर भी यहाँ है? हाँ, वो मेंगियाओ से जुड़े हुए थे, नी होसांग से जुड़े थे, इसीलिए उन्होंने भी रिकार्नेट किया है। ओके, यानी मेरे कर्ज ने बहुत सारे लोगों को दोबारा से इस दुनिया में रिकार्नेट कराया है, बहुत सारे लोगों तो नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ कुछ ने तो किया है। तो मेरी सीजें भी हैं? हाँ, वैसे वो बाहर ही हैं, क्या तुम मिलना चाहोगे? क्या? हाँ, लैन परिवार सब बाहर ही है,
लंजा के कैबिन के आगे सब हैं। क्या क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ रुको, हम बुला कर आते हैं, शौशनचन ऐसा कहता है और वहाँ से वो चला जाता है। एक्चुअली हमारा पांगछी का कमरा विंग इस समय के विंग से थोड़ा सा दूर था, मीन्स 6 से 7 कमरे और दूर था, तो वो थोड़ा दूर पे था क्योंकि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे तो उन्हें भी एक एक रूम मिला हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था इन कमरों में। और तब वहाँ से वो सभी बुला कर आते हैं और तब जैसे ही उन लैंड परिवार को पता चलता है कि इस समय का विंग होश में आ गया है, वो जल्दी से उसके पास आते हैं और जैसे ही डोर ओपन होता है हमारा विंग तो शॉक्ड हो जाता है अपनी सीजे को देखकर। वो रोते हुए कहता है सीजे, और याली भी आकर उसे हक कर लेती है। और तब विंग कहता है क्या आपको याद है, क्या आपको सब कुछ याद है सीजे, बट कैसे कि आपको कैसे याद है? नहीं आशिन, मुझे याद नहीं है, मैंने किताब पढ़ी थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, छुलंजा लिखता था। हाँ उसकी आदत थी किताबें लिखना, मैंने उसे कहा था क्यों लिखते हो ये किताब, और वो उसने कहा कि क्या पता भविष्य में हम दोबारा आए तो ये सबूत है मेरे प्यार का। आज देखिए उसकी वजह से आपको, मुझे याद है, आप मुझे याद कर सकती हैं, मैं आपको सीधे बुला सकता हूँ आशन सीजे। अच्छा आशन बस करो, ऐसे मत रो, चलो अब तो एक नई स्टार्ट होगी ना, अब तुम तो हमारे साथ रहोगे फिर सीजे। आशन तुम रहोगे ना अपनी दीदी के पास, अपनी बहन के पास? हाँ सीजे, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं फिर से अनाथ हो गया सीजे। आशन खबरदार, जो खुद को अनाथ कहा है, हम सब तुम्हारे पास हैं, क्या हम सब नहीं हैं? हाँ सीजे। और तब वो सभी की तरफ देखता है और तब उसकी नज़र लैन ई पर आती कर रुक जाती है और तब वो कन्फ्यूजन से पूछता है ग्रैंड मास्टर लैनी, आप कैसे, आप कर्ज की वजह से दोबारा रिकार्नेट की, पर कैसे, मैंने तो आपको कोई कर्ज नहीं दिया। अब लैनी का आंसर वो कैसे देती और तब वो कहती है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लंजा ने तो कोई किताब में लिखा भी नहीं था कर्ज के बारे में। तब विंग हंसते हुए कहता है उस समय वो था ही नहीं कि किताब में लिख सके। तो फिर विंग उस समय तो कुछ समझ नहीं पाता आखिर लैनी ने कैसे दोबारा रिकार्नेट किया है। और तब हमारी कैनली कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दो, ये लैन वांगची की मदर है और ये लैन वांगची की फादर लैन चिरैन है और लैन ई है। तो फिर विंग कहता है सच में, मुझे तो पता ही था कि लैन चिरैन ही उसके फादर है, क्या देखा नहीं उनका बिहेवियर और वांगची का बिहेवियर सेम ही तो था, बस लैन चिरैन ने लैन वांगची को कि असली बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, वरना तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा था, कोल्ड और बोरिंग। विंग नहीं सीजे सच में, और सीजे लैन वन गगा आप भी, वैसे अब मैं जिंग यानली नहीं हूँ, मैं लैन यानली हूँ। क्या आपने लैन वन गगा से शादी की है? हाँ शायद जिन जिश्वान इस दुनिया में है नहीं, उसने रिकार्नेट नहीं किया और मैंने लैन सीजे से शादी की है और अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। क्या? हाँ मैं ऑलरेडी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। वाह सीजे सच में आप प्रेग्नेंट हो? आशन ऐसे एक्साइटेड मत हो जाओ, मतलब हाँ मैं हूँ सीजे, ये एक्साइटमेंट होने वाली बात नहीं है, ऑफ कोर्स ये बात ही एक्साइटेड वाली बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार मैं अच्छे से जिनली के साथ खेल सकता हूँ। जिनली नहीं लैन रूलान, या हाँ अब हम लैन रूलान कह सकते हैं उसे, जिन रूलान नहीं। हाँ सीजे आपने तो पार्टनर ही अपना चेंज कर लिया, बट मुझे क्या पता था कि मैं कौन हूँ। वैसे सीजन गगा आपने भी सही ही किया, आखिर आपने उस समय शादी तो की नहीं थी और अभी आपको मेरी सीजे से ज़्यादा अच्छा कोई मिलता भी नहीं। और लैन हुआन ऐसा कह सुनते हैं तो कहते हैं हाँ तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, और यानली ब्लश करते हुए कहती है हुआन क्या आप चुप रहेंगे, और हुआन भी चुप हो जाते हैं। और तब हमारा विंग कहता है सीजे ऐसे नहीं कहते, आपको पता है ना लैंस कितने ज़्यादा पोलाइट होते हैं अपने स्पाउस की तरफ, आपको जिंदल होना पड़ेगा।
तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। हाँ हाँ मुझे बहुत कुछ पता है। तो पिंग, क्या तुम कुछ कर सकती हो? किसके बारे में? कल्टीवेशन वर्ल्ड का बींग, वो यहाँ पर है। कोई भी डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है। उसने अपनी बहुत ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी का यूज़ किया होगा, इसीलिए वो बेहोश है। और अगर लंजा ही उसे होश में ला सकता था अपनी गुचिन से, अपनी क्लिंजिंग म्यूजिक को प्ले करके, बट इस समय का लंजा तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे होश में आने के लिए समय लगेगा। वो खुद ब खुद ही अपनी एनर्जी को जब तक शांत नहीं कर लेता, वो होश में नहीं आएगा। और